हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि BTS मेंबर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनके पॉपुलर होने के पीछे ऑब्वियसली उनकी हार्डवर्क है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं, इनफैक्ट उसके साथ साथ उनका हैंडसम और चार्मिंग लुक भी बहुत ही बड़ा रीज़न है उनके इस सक्सेस के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इंडियन BTS आर्मी हमेशा ही ये चाहती है कि BTS मेंबर को इंडिया में भी उतना ही प्यार मिले जितना उन्हें बाकी जगहों पर मिलती है, पर काफ़ी सारे फीमेल्स के पॉप फैंस ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि इंडिया में जो मेल्स होते हैं वो के पॉप को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, और सोशल मीडिया पर K-pop या BTS से रिलेटेड अगर कोई भी पोस्ट या वीडियो होते हैं तो उस पर ज़्यादातर हेट कमेंट ही देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आखिर इंडियन मेल्स BTS और K-pop को इतना हेट क्यों करते हैं? आज हम अपने इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, काफी सारे लोग जो सोशल मीडिया पर BTS के लिए हेट कमेंट पढ़ते रहते हैं, उनका ये कहना है कि वो मान सकते हैं कि इंडियन BTS को हेट नहीं करते, क्योंकि हेट एक बहुत ही स्ट्रांग वर्ड हो गया और हेट जैसी बड़ी चीज किसी को भी ऐसे ही नॉर्मली नहीं हो सकती है। हालांकि वो BTS को डिसलाइक जरूर करते हैं, और फ्रेंड्स, इंडियन मेल्स का BTS को डिसलाइक करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इंडिया की जो फीमेल्स हैं, यानी कि लड़कियां जो छोटी एज में हैं या फिर बड़ी एज में हैं, वो कोरिया के K-pop में या फिर K-dramas में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई हैं, और उसमें से आधी तो BTS को इतना पसंद करती हैं कि वो BTS आर्मी ही बन चुकी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो दूसरे K-pop ग्रुप के आइडल्स को पसंद कर रही हैं। और फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंडियन मेल्स BTS को पसंद नहीं करते, क्योंकि इंडियन गर्ल्स BTS को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दे रही हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही हैं, जिसकी वजह से इंडियन गर्ल्स की प्रेफरेंस चेंज हो चुकी है और वो इंडियन बॉयज को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से काफी सारे मेल्स के अंदर ये एजेंशन बन चुका है कि लड़कियां हमें पसंद नहीं करके दूसरे कंट्री के लड़कों को पसंद कर रही हैं, जिसकी वजह से वो बिना बात के ही BTS को बुरी बुरी बातें बोलकर ट्रोल कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया और कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, यानी कि दोनों कंट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड काफी अलग हैं और वो हमेशा क्लीन शेप में रहते हैं और इसे ही प्रेफर करते हैं। हालांकि फैंस, इंडिया में भी काफी सारे एक्टर ऐसे हैं जो क्लीन शेप में रहते हैं, या काफी सारे बॉयज ऐसे हैं जो क्लीन शेप को प्रेफर करते हैं, लेकिन फैंस, कोरिया में क्लीन शेप को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है और वहां पर बियर्ड वाले लड़के होते ही नहीं है, या फिर जो थोड़े मोड़े होते भी हैं वो पीसेंट होते हैं या फिर के ड्रामास में सबसे बैड रोल यानी कि विलेन का रोल करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों को ही वहाँ पर बियर्ड रखते हुए देखा जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे इंडियंस ये समझते हैं कि कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड में बियर्ड को काफी बुरा माना जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर बियर्ड का मतलब ये होता है कि आप ओल्ड हो चुके हैं, और वहाँ के यूथ कभी भी बियर्ड नहीं रखते, और कोरिया के यूथ को ऐसा लगता है कि अगर वो बियर्ड रखेंगे तो वो अपने एज से ज्यादा एज के दिखेंगे, और ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है कोरिया में क्लीन शेप रहने का। लेकिन इंडियन इसे नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए वो कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड के वजह से BTS को बुरा बुरा बोलते हैं, और उनका ये कहना है कि BTS के बियर्ड नहीं आते हैं या फिर वो अभी तक मैच्योर नहीं है, और भी बहुत सारी बुरी बुरी और अजीब अजीब सी बातें बोली जाती हैं। इसके साथ ही BTS मेंबर को उनके लुक्स को लेकर काफी सारी बुरी बातें भी कही जाती हैं। फ्रेंड्स, कोरिया का लुक इंडिया के लुक से काफी अलग होता है। इंडियन का फेशियल फीचर्स जो होता है वो कोरिया से एकदम डिफरेंट होता है और क्लीन होता है, जिसके वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग उन्हें पसंद नहीं करते, और BTS मेंबर हमेशा ही इयररिंग पहनते हैं और मेकअप यूज करते हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है।
और इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये गर्ल्स जैसे दिखते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को इनकी ड्रेसिंग स्टाइल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो ढीले ढाले फ्री साइज के कपड़े पहनते हैं। इसीलिए इंडियंस को ये लगता है कि BTS मेंबर अपने लाइफ स्टाइल को एक गर्ल्स की लाइफ स्टाइल से मैच करते हैं, और स्पेशली उनके लिपस्टिक जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हर किसी को हाईलाइटेड लगती है। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया से बाहर किसी और फॉरेन कंट्री के मेल सिंगर के म्यूजिक वीडियो को देखेंगे तो वो बहुत ही अलग तरीके के लुक लेते हैं, बहुत ही अलग तरीके का मेकअप करते हैं। इवन बहुत सारे तो ऐसे म्यूजिक वीडियो भी होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि नॉर्मली किसी को भी समझ में नहीं आता है। और सिर्फ कोरिया में ही नहीं, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ऐसा है, लेकिन क्योंकि इंडिया में काफी सारे फॉरेन चीजें नहीं आई हैं और इंडिया में बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं जो इन सब नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए BTS को पूरी पूरी बातें बोलने लगते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे मेन रीजन तो ये है कि इंडियन बॉयज की इनसिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है, और इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट फॉरेन में भी जो BTS के हेटर्स हैं उन्हें भी अपने लाइफ को लेकर काफी सारे इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और इसी वजह से जब वो BTS को देखते हैं या उन लोगों को देखते हैं जो BTS के काफी करीबी हैं, यानी कि BTS आर्मी को, तो BTS के साथ साथ उन्हें भी बुरा भला बोलने लगते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो वो अपना गुस्सा BTS पर निकालता है। उन्हें लगता है कि वो अगर BTS को बुरा भला बोलेंगे तो वो अपने खुद के नज़रों में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। यही सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से इंडिया में BTS को हेट किया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे इंडिया में लोग BTS के बारे में जानेंगे, वो समझ जाएंगे कि BTS का उनके लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपने कंट्री में काम कर रहे हैं और वो अपने कंट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी फेमस हो रहे हैं। BTS मेंबर एक आर्टिस्ट हैं जो अपने टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, BTS को लेकर इंडियन मेल्स का ये सब सोचना सही है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।